हेलो बच्चों, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि कंसना, आपका ट्रेनर असवीति, और आज के सेक्शन में हम बात करेंगे लिफ्ट एंड हैंडल गुड्स सेफली। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिटेल सेक्शन, एंड इसके बारे में बात करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग गुड्स सेफली टेक्निक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जानते हो कि लिफ्टिंग और हैंडलिंग, जब भी हमारे पास सामान पहुंचता है रिटेल स्टोर से, हम जब सामान खरीदते हैं, आप कभी सोचा है कि आपने उस रिटेल स्टोर में सामान को लाने वाला वर्कर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जब सामान लोड होता है, अनलोड होता है, तो किन प्रॉब्लम को समस्या उन्हें फेस करनी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याएं के थ्रू ही जो है सामान हम तक पहुंचता है। तो ये सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे। लिफ्टिंग और हैंडलिंग टेक्निक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लिफ्टिंग का अर्थ होता है किसी सामान को उठाकर फिर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक है। और उसमें सेफ्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है सेफ्टी का, कि कोई भी वर्कर्स, कोई भी एम्प्लॉय इस कार्य के दौरान उनकी इंजरी ना हो, उनको चोट ना लगे, तो इस बातों का काफी ध्यान रखना होता है। हम देखते हैं जहां पर चीजें बनाई जाती है, जहां पर चीजें बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, वहां पर रॉ मटेरियल जब किसी माध्यम से आते हैं, फिर उनको अनलोड किया जाता है, तो वहां पर लिफ्टिंग जब होती है, मतलब जो सामान को उठाया जाता है, रॉ मटेरियल उठाया जाता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में डाला जाता है, जो बन के रेडी होके फिर उसमें वहां से वो निकाला जाता है, लिफ्ट होती है, फिर वो आगे हैंडलिंग के लिए जाती है, फिर वो आगे प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस के दौरान काफी ज्यादा जो है रिस्क होता है, जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, जिनको ये सारे कार्य पूरे करने हैं, तो उनको बारीकी से हर चीजों का ध्यान रखना होता है, उनके वेट का, सामान के वेट का, उनके सामान के प्रोटेक्शन का, साथ साथ जो वर्कर्स के प्रोटेक्शन का, उनके सेफ्टी का, ताकि वो कहां कहीं पर भी किसी को भी जो है एक्सीडेंट से बचा जा सके। बच्चों, आइए जानते हैं लिफ्टिंग और हैंडलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो लिफ्टिंग और हैंडलिंग टेक्निक्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके लिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो क्या क्या प्लान होना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो लोड की साइज है, जो हम सामान उठा रहे हैं उसकी साइज जो है छोटी है बड़ी है, वो ध्यान रखना होता है। और ओवरऑल कंडीशन हमें चेक करनी होती है कि बारिश का समय तो नहीं है, ओवरऑल जो है मौसम कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें सामान को लोड करना होता है। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अपने खुद से ज्यादा भारी सामान जो आप उठा ना सको और आपको उठाते समय तकलीफ हो या ऑकवर्ड आपको फील हो, तो आप उस सामान को ना उठाएं, अपने आप को उस सामान को उठाने से बचाएं। और साथ साथ आपको वो स्पेस भी मिलना चाहिए ताकि आसानी से मूव कर सके। ऐसा नहीं आपने सामान उठा लिया और आप वहीं पर खड़े हैं, आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बातों का भी ध्यान रखना होता है कि आप आसानी से मूव कर सके, आपका बॉडी वेट और सामान का वेट, आपका सामान का वेट आपके बॉडी वेट पे भारी ना हो, है ना, ओवर वो ज्यादा आपको सुपर इम्पोज ना करे। इसके साथ साथ आप अपने फुटिंग को भी ध्यान रखें कि आपके पैर पर कुछ जोर तो नहीं पड़ रहा है ना, और साथ साथ साफ सुथरे जो जगह पर जहां पर इजिली मूव किया जा सके, वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। दूसरी चीज, आप अपने बैलेंस बनाकर चलें कि आप सामान को और अपना बैलेंस आपको बनाना बहुत जरूरी होता है, तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फीट जो है, शोल्डर जो है, फीट और शोल्डर दोनों जो है एक दूसरे से जुदा होने चाहिए, है ना, और आपके फुट आसानी से मूव कर सकें, है ना, इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और आप जब उठा रहे हैं तो आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवरवेट नहीं उठाना है। इसके साथ तीसरी चीज है कि आप झुक पाए और इतना ही झुकें जिससे आपके जो नीज प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और आपके बैक जो है स्ट्रेट रहे। अगर आप बार बार चीज बेंड होंगे और उस चीज को बार बार उठाएंगे तो हो सकता है आपको बैक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। तो आप कोई भी कार्य को आप उठाने में आपको ज्यादा झुकना ना पड़े, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और आपके जो 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 चेहरा है, जो फेस है, वो नीचे की ओर ना होकर स्ट्रेट हो। उसके बाद आपका बॉडी वेट जो है, आप जिस लोड को उठा रहे हो वो आपका बॉडी वेट सही होना चाहिए और आपका लोड जो है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और आप किसी मतलब, और इसके साथ साथ लिफ्टिंग करते वक्त अपने आर्म्स और एल्बो को अपने बॉडी से क्लोजली रखें ताकि आपको इसमें कोई इंजरी ना हो। तो ये कुछ टेक्निक्स, कुछ सेफ्टी टेक्निक्स है जो हमें इंश्योर करने होते हैं लिफ्टिंग, बिफोर द लिफ्टिंग। साथ साथ आप जो भी लोड उठा रहे हैं, है ना, उसे आप अपने बॉडी से थोड़े क्लोजली उठाएं, अपने पास के रखकर उठाएं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। अपने बॉडी को ट्विस्ट ना होने दें, डोंट ट्विस्ट योर बॉडी व्हाइल कैरिंग द लोड,
है ना, इससे आप और आपको डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाए, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्शन ज्यादा चेंज करना पड़े इधर से उधर, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका डायरेक्शन भी स्ट्रेट हो, साथ साथ आपको लोड में कोई ट्विस्ट एंड टर्न ना हो, और आपके फुट पोजिशन, आपकी होल बॉडी पे जो भार टिका हुआ है वो आपको पूरा ध्यान देना है। इसके साथ साथ जब आप जा रहे हो तो आपकी नजर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपको इधर उधर नहीं देखना है ना। इसके साथ साथ आप अपने ये भी ध्यान दें कि आपके हैंड्स, आपके हाथ और आपके फीट में कोई भी ऐसे चीजें ना लगी हो, या फिर कुछ ऐसा ऑयल या फिर कुछ ऐसा ना हो जिससे लोड जो है आपके हाथ से गिर जाए या फिर कोई भी अनहोनी हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका हैंड और फीट दोनों क्लियर हो ताकि आप आसानी से मूव कर सकें और इसमें कोई भी परेशानी ना हो। चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं सेफ मैनुअल हैंडलिंग एंड कैरिंग ओवरव्यू, हम किस तरीके से मैनुअल हैंडलिंग करें और उसमें कौन कौन सी सेफ्टी टेक्निक्स, क्योंकि आज जब जब हैंडलिंग की हम देख बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें मशीनों के द्वारा हैंडल की जाती हैं। अब यहाँ पर इंसानों का कम उपयोग होता है, वर्क पावर जो है मैन पावर का कम उपयोग होता है, आजकल मशीन के थ्रू जो है बहुत सारी चीजें हैंडलिंग की जाती है, लेकिन आज भी कहीं कई जगह पर मैनुअल हैंडलिंग की प्रथा है वो चलती आ रही है। तो आइए जानते हैं उसको करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त। सबसे पहली चीज प्लानिंग की, आप लोड प्लानिंग कर लें, प्लानिंग करने का मतलब आप योजना बना लें कि आप जो लोड उठाने जा रहे हैं उसका वेट क्या है, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन क्या है, ठीक है, आपका रूट क्लियर है कि नहीं है, कोई बीच में ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, बीच में कोई गड्ढा गुड्डी जो भी है वो सब नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से जो है उसे उठा पा रहे हैं, आपका बॉडी वेट और जो सामान का वेट है वो बैलेंस बराबर है कि नहीं है, ठीक है, आप जो है आपकी लिमिट्स कितनी है, आप क्षमता कितनी है, आप अपना आपका जो आपकी कंडीशन कैसी है, ये पहली बात आपको देखना होगा कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है, आप उसे उठाने में सक्षम है कि नहीं, आपके अंदर वो ताकत है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को आपको प्लानिंग करनी होती है। और एक्स्ट्रा केयर, आपको कोई अटपटा तो नहीं लग रहा है, आपको कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है उठाते हुए, तो ये सारी चीजों की प्लानिंग आप कर लें, उसके बाद ही आप चीजों को उठाएं, तो ये सारी चीजों को किया जाता है। दूसरी चीज लिफ्टिंग में, लिफ्टिंग प्लानिंग हो गई फिर लिफ्टिंग हो गई, लिफ्टिंग करते समय ध्यान रखना होता है कि आप जो 9L उसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, फॉर बैक सेफ्टी, मतलब पीछे की तरफ जो भी चीज उठा रहे हैं हम लोग, बैक सेफ्टी के लिए हमको ध्यान रखना होता है लिफ्टिंग में। लोड, सबसे पहले जो भी हम उठा रहे हैं उसका लोड कितना है, लंग्स, लीवर, लेग्स और लॉरिसिस एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, तो ये सारी चीजों को हम लिफ्टिंग के वक्त ध्यान रखते हैं कि अपने लोड को ध्यान रखें, लंग्स को ध्यान रखें कि हमारे जो प्रॉपर ब्रीथिंग हो, कोई भी हमारे सांस लेने तकलीफ ना हो, हमारे लीवर जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर पाए, हमारे लंग्स में कोई ज्यादा जो है प्रेशर ना पड़े, ठीक है, और इस तरीके से हम चीजों को आसानी से हैंडल कर पाए। इसके बाद बात करते हैं कैरिंग, मतलब आप कैसे कैरी करते हो सामान को, तो आप इसके लिए आप जो है सामान को अपने बॉडी से काफी क्लोज रखें, होल्ड करके, है ना, इससे आपको जो है इंजरी होने की चांसेस कम होंगे। और इसके साथ साथ आप देखें कि आप जो सामान उठाकर जो लिफ्ट करके कैरी करके आप देख पा रहे हैं, आप अपनी नजर आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, टेक एक्स्ट्रा केयर कैरिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, आप जब सीढ़ी से उतर रहे हैं या सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सामान जो है भार आपके बॉडी पे सुपर इम्पोज ना हो, आपके बॉडी पे प्रेशर ना डाले, इससे आप अपने आपके फीट जो है अनकंफर्ट होके हो सकता है आपको अनहोनी हो जाए, तो इस वजह का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जब स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, जब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो और उतर रहे हैं तो सामान का वेट आपको ध्यान में रखना है और वो चीज आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी है। चढ़ते वक्त ले जाते वक्त सामान ले जाते वक्त अपने बॉडी को कभी ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें, इधर से उधर ना करें, अपने मूव्स, अपने फीट, अपने पैर के जो फीट हैं, जो भी पैर है वो आपको सीधे आपको आपके डायरेक्शन की तरफ ही रहना चाहिए, इधर उधर टर्न नहीं होना है। इसके बाद बारी आती है लोडिंग की, लोडिंग मतलब होता है झुकना। अब कई चीजों को हमें झुककर उठाना होता है ना, बैंड करके, यहाँ अपने नीज को मोड़ते हैं, अपने घुटने को मोड़कर हमें उठाना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने ज्यादा ना मोड़े, इससे जो है फ्रिक्शन आपके घुटने में जो भी लुब्रिकेंट है वो उस पर काफी असर होता है, इससे हो सकता है आपके नीज को असर पड़े। इसके साथ साथ अपने फिंगर्स और टोज को कभी भी ट्रैप ना करें, कभी भी ट्रैप करने की कोशिश ना करें, और आप अपने जो है अपने आप को काफी स्ट्रेच ना करें, कंफर्टेबली उठाएं, ऐसा नहीं ना हो कि आप जबरदस्ती उठा रहे हैं, तो इस चीज का काफी ध्यान रखें कि आप झुकते वक्त उतना ही झुके जितना जो है आप झुक पाए, है ना, कंफर्टेबली झुक पाए, आप अपने आप को स्ट्रेच करके आप जबरदस्ती उसको झुकेंगे और उसको उठाएंगे तो उससे आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बॉडी में इंजरी हो सकती है, तो इस बात का काफी ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों बात कर लेते हैं मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है। मैनुअल हैंडलिंग को हम इस तरीके समझ सकते हैं कि कोई लिफ्टिंग या फिर कोई भी कैरिंग, पुटिंग डाउन, पुलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, मूविंग, जो चीजें मशीन के द्वारा ना होकर जो चीजें हाथ के द्वारा की जाए या बॉडी के द्वारा की जाए, बॉडी फोर्स के द्वारा की जाए, वो सारे कहलाती है मैनुअल हैंडलिंग।
ठीक है, इफ एनी वर्क दैट इन्वॉल्व्स मूविंग योर मूविंग द लोड्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इक्विपमेंट, आप कोई सामान को उठाते हो बिना कोई मशीन्स के, बिना कोई इक्विपमेंट्स के, अपने हाथों से, अपने बॉडी के थ्रू, तो वो सारे कहलाते हैं मैनुअल हैंडलिंग, इसी को बोला जाता है मैनुअल हैंडलिंग। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर जो लिफ्टिंग जो वेट बताया गया है रिकमेंडेड वेट, कि एक पुरुष जो है 10 केजी तक उसकी लिमिट होती है, 10 केजी तक वो उठा सकता है। अगर किसी की वेट बॉडी वेट और स्ट्रेच करना चाहे कंफर्टेबली वो 10 केजी तक एक पुरुष उठा सकता है। महिलाओं की जहां तक बात करें तो महिलाएं जो है कंफर्टेबली 7 केजी तक वेट जो है उठा सकती है। तो ये जो है मैनुअल हैंडलिंग के कुछ जो है टिप्स आपको बताए गए हैं, जो बॉडी वेट है वो किस तरीके से कंफर्टेबली वो एडजस्ट हो सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ्टी एक रिकमेंडेड बोला जाए तो वेट है, इतना वेट तक जो है पुरुष और महिलाएं उठा सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में हैंडलिंग इक्विपमेंट पिक्स जो आपको दिखाया जा रहा है, जहां पर गुड्स को उठाया जाता है एक मशीन के माध्यम से। दूसरा जो है व्हीकल्स माउंटेड लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जहां पर भारी वजन वाले व्हीकल्स को उठाया जाता है, तो ये व्हीकल माउंटेड इक्विपमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं हैंडलिंग इक्विपमेंट आते हैं जो लिफ्टिंग और हैंडलिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कौन कौन से गाइडलाइन, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए उपयोग है, और उसके एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि ये कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, चाहे वो लिफ्टिंग से संबंधित हो, हैंडलिंग से संबंधित हो, वो आसान हो जाती है। मतलब हमारे पास जो है हम जो इंजरी होती है, जो एक्सीडेंट होता है, अनहोनी हो जाती है, वो उससे हम बच सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम फिक्सिंग टूल्स है। दूसरा बेटर वे ऑफ वर्किंग, यहाँ पर हम जो है कार्य आसानी से कर सकते हैं, जो वर्कर्स है वो दूसरे काम पर आसानी से ध्यान दे सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं मशीन के थ्रू, तो ये इक्विपमेंट के आने से जो है उनका कार्य जो है काफी सरल हो जाता है। तीसरी चीज लेस मैनुअल हैंडलिंग, यहाँ पर जो है मेहनत के काम बहुत ही कम करने होते हैं और बस ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर तरीके से मशीन को ऑपरेट करना ही मेन उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ गुड हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई का भी काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ रिड्यूस चांसेस ऑफ इंजरी, यहाँ पर एक्सीडेंट्स और इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्य जो है एक इक्विपमेंट के माध्यम से किया जाता है, ना कि मैनुअली किया जाता है, तो इसके ये काफी ज्यादा उपयोगी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स आपको देख रहे हैं, जितने भी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, इनका उपयोग ज्यादातर हर जगह पर, हर सेक्टर में किया जाता है, चाहे रिटेल में हो, चाहे और कोई दूसरे सेक्टर्स में हो। रिटेल में इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सामानों का जो आवागमन है वो काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से इन इक्विपमेंट्स का अपने आप में महत्व बढ़ जाता है। चलिए बच्चों बात करें कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में। इन इक्विपमेंट्स को हैंडल करने से पहले कुछ सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना होता है, कि हम इक्विपमेंट को सबसे पहले चेक कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, है ना। उसके सारे पार्ट्स को देख लें, है ना, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स को देख लें, उसके ट्विस्टेड पार्ट्स को देख लें, और उसकी कंडीशन को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और साथ साथ उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, है ना, और वो स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि इक्विपमेंट जो है एक कंसर्न पर्सन के द्वारा जो है इंस्पेक्शन किया गया हो, उसको चेक करके ही जो है उसे ऑपरेशन में लाया गया हो, ना कि वो डायरेक्टली बिना कोई चेकिंग के, बिना कोई प्री चेक के, टेस्टिंग के, बिना टेस्टिंग के ये ऑपरेशन में नहीं आना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो पूरी तरीके से कंसर्न पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया हो। इसके साथ साथ जिस इक्विपमेंट की जितनी यूनिट की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसमें लोड जो है चढ़ाना चाहिए और उतारना चाहिए, तो इस बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। साइज ऑफ द यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट वो जरूरत से ज्यादा ना हो। इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो इक्विपमेंट ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जो ज्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से चेक किए जाएं और उसकी सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से हो, ताकि वो कोई इंजरी ना हो, उससे आगे वर्कर को कोई हियरिंग प्रॉब्लम ना हो। तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नॉइस प्रोड्यूस जो किया जा रहा है इक्विपमेंट के द्वारा वो कम हो, कम से कम हो। इसके साथ साथ हम अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी लिफ्टिंग की जाती है, सामानों की जो है आवाजाही होती है, तो सबसे पहले ड्राइविंग जो ड्राइवर है, जो इक्विपमेंट को ड्राइव कर रहा है, उसको उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होता है। साथ साथ वो ड्राइविंग जो कर रहा है वो किस तरीके से उसको ड्राइव करे वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले जब भी वो ऑपरेट कर रहा है तो वो व्हीकल्स के डोर को बंद कर दे, है ना, और विंडोज को रोल अप कर दे। साथ साथ वो पार्किंग लॉट जहां पर पार्क है गाड़ी, जो व्हीकल है, जो पार्क है, वहां पर बना हो, पार्किंग लॉट बना हो, उस वहां पर जाने से पहले, पार्किंग लॉट में जाने से पहले ये सारी चीजों को चेक कर ले,
कि डोर प्रॉपर तरीके से बंद हो। जैसे हम कोई भी गाड़ी चलाते कार चलाते डोर को प्रॉपर देख लेते बंद है कि नहीं है, खिड़कियां बंद है कि नहीं, वो सारी चीजों को चेक करना बहुत जरूरी होता है। स्कैन द पार्किंग एरिया फॉर सस्पिशियस पर्सन, आप वहां पर देख ले जो पार्किंग एरिया जहां पर आप इक्विपमेंट को रख रहे हो, जहां पर वो व्हीकल रखा जाएगा वहां पर वो पूरी तरीके से सेफ हो, कोई भी सस्पिशियस वहां पर कोई कंटेन ना हो, कोई भी ऐसा अनहोनी कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे वो नुकसान पहुंच सके किसी भी इक्विपमेंट को या फिर किसी भी वर्कर को। साथ साथ आपको पूरी प्लानिंग करनी है, कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ अपने जो इक्विपमेंट है उसको सही तरीके से पार्क करें काम हो जाने के बाद, और अपने आप को सेफ्टी के साथ वहां से उतरें और उसको पार्क करके फिर आप अपने जगह पर जाएं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। उसके बाद टेकिंग बस मतलब आप जब बस ले रहे हैं तो उसमें आप ध्यान दें कि प्लान टू अचीव बस प्रिवेंट जस्ट बिफोर द बस कम्स, ठीक है। आप अपने आप को जो है जब बस आने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लें। उसके साथ अवॉइड सेपरेटेड और बैडली लिट बस प्रिवेंट्स, ठीक है। और आप कोई भी चीजों से जो है उससे बचें, दूरियां बनाने से जिससे आपको बचना है। साथ साथ इसके साथ ही वर्कर्स ही ड्यूबियस एंड थ्रेटनिंग इंडिविजुअल्स एट ए सर्किट ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रीट, ठीक है। अगर आप देखते हो कि आपके साथ में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो काफी डाउटफुल हैं, काफी ड्यूबियस हैं और थ्रेटनिंग है, मतलब जो है लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं, तो आप उसी समय क्विट कर दें, है ना, या फिर उन्हें क्विट करने के लिए बोल सकते हैं। इफ पॉसिबल हैव सम फुलफिल द एम्प्लॉइज व्हेन ही सर अराइव एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर हो सके तो आप जो एम्प्लॉय की जो जरूरत है आप आपके हिस्से आपके अपने हक से उसे आप पूरा कर दें और उसे आप उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हेल्प करें, तो ये बहुत जरूरी होता है। If the employee is confronted, अगर आपके वर्कर्स आपके एम्प्लॉय जो है बहुत ही ज्यादा असॉल्ट फील कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उन्हें जो है तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया काम, तो उसको थोड़ा सा आराम करने, तो as soon as possible उनको रेस्ट देने की आप कोशिश करें। If someone holds back down payment back or residence, do not avoid or do not pursue the robber. आप कभी भी आप ये ध्यान दें कि अगर आपके ऑफिस के सामने या फिर कहीं पर भी जहां पर आप वर्किंग प्लेस है वहां पर अगर कोई बैग या फिर कोई पेमेंट बैग को छोड़ दिया गया है आपके रेसिडेंस या फिर कहीं पर भी, उसे आप टच करने से पहले इन्फॉर्म करें पुलिस को या फिर कंसर्न पर्सन को, ताकि वो पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही आप उसे हाथ लगाएं, हो सकता है वो रॉबर भी हो। कॉल द कॉप्स इंस्टेंटली एंड ट्राई टू रिमेंबर द जेस्चर ऑफ द अटैकर, ठीक है। आप पूरी तरीके से मामले का ऑब्जर्व करके आप तुरंत जो है कॉप को कॉल करें, अपने पुलिस को कंसर्न पर्सन को कॉल करें, ताकि वो तुरंत आकर आपकी मदद कर सकें, क्योंकि ये अनहोनी की आशंका भी हो सकती है। बच्चों कुछ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो जिसे हमें ध्यान देना होता है, जैसे फॉर्कलिफ्ट और पैलेट जैकेट्स जो काफी ज्यादा रिटेल स्टोर में उपयोग किए जाते हैं, एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट है और ये रिटेल ऑपरेशन का सबसे मुख्य जो है इक्विपमेंट्स माने जाते हैं, और ये हमें इंजरी से बचाते हैं। साथ साथ ये जो है हमें कोई सीरियसली फैटल इंजरी भी दे सकते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको ऑपरेट करते वक्त हमें काफी सावधानी काफी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। इफ द एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू यूज अ फॉर्कलिफ्ट और पैलेट जैकेट, द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद ट्रेनिंग फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ द इक्विपमेंट। कोई भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने से पहले ऑपरेटर को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं उसे ऑपरेट करने के लिए। हम ऐसे ही किसी के हाथ में भी उस जो इक्विपमेंट की कमान नहीं संभाल सकते, क्योंकि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उसे ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसी कारण ये सुनिश्चित कर लें कि जो ऑपरेटर है वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं है। इसके साथ साथ कैसे ऑपरेट किया जाए, डू नॉट ऑपरेट द फॉर्कलिफ्ट अनलेस इट्स रनिंग प्रॉपर्ली, कभी भी फॉर्कलिफ्ट का जब तक वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है उसे ऑपरेट ना करें। वी आर रिक्वायर्ड पीपीई यानी सेफ्टी का हम पूरी तरीके से ध्यान रखें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रॉपर तरीके से पहन लें, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, हम हेलमेट हो गए, ये सारी चीजों को पहनकर ही हम उसे ऑपरेट करें। मेक श्योर द एम्प्लॉइज ट्रेन टू चेंज द प्रोपेन फ्यूल टैंक और बैटरी, ऑपरेट करने से पहले फ्यूल टैंक को चेक कर लें, बैटरी को चेक कर लें। नेवर कैरी अ पैसेंजर और एलिवेट पर्सन ऑन द फॉग, फॉग पर किसी भी अदर पर्सन को आप ना बिठाएं, ठीक है, और लोड ओवरलोड ना करें, इससे क्या होगा आपका इक्विपमेंट हो सकता है फंक्शन करना बंद कर दे। सिक्योर द लोड प्रॉपरली, आप जो भी लोड उस पर रख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नपा हुआ हो, मेजर्ड हो, ओवरवेट ना हो, इस बात का ध्यान रखें, प्रॉपरली से वहां पर रखें। डू नॉट ओवरलोड द फोकलिफ्ट, फोकलिफ्ट को ओवरलोड करने की कोशिश ना करें। इवन फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस नेवर टर्न योर स्लॉप सरफेस, है ना, और आप कोशिश करें कि आपका जो फोकलिफ्ट है वो कभी भी ढलान पर ना हो, इससे आपको अनहोनी का होने का घटना काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। वर्किंग अराउंड द फॉर्कलिफ्ट, अब कैसे वहां पर फॉर्कलिफ्ट के जो है वहां पर काम किया जाए। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हैव वेरी लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन बिकॉज बार्स केबल चेन लोड्स दे मे कैरी ऑब्स्ट्रक्ट देयर व्यू। आप देखो फॉर्कलिफ्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके विजन जो है काफी जो है कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चेन्स केबल्स और बहुत सारे अलग अदर जो केमिकल्स हैं वो आसपास में उनको उनकी आंखों पर असर डालते हैं, तो विजिबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। दे मे नॉट बी एबल टू सी द वर्कर्स इन टाइम टू स्टॉप टेक और एलिवेशन एक्शन, तो उसके कारण जो है वो
बाकी वर्कर्स को नहीं देख पाते उसको कार्य करते हुए। इसके साथ साथ हमें गाइडलाइंस ध्यान में रखनी होती है, वियर हाई विजिबिलिटी वेस्ट व्हेन द एंटरिंग एन एरिया वेयर फॉकलिफ्ट्स आर ऑपरेटिंग। जहां पर फॉकलिफ्ट ऑपरेट किए जा रहे हैं तो आप विजिबिलिटी को प्रॉपर ध्यान में रखकर जाएं, अपने हो सकते हैं आईज में आप चश्मा लगा लें जिससे आप बाकी चीजों को अच्छे से देख सकें, व्यू कर सकें। इसके साथ आपके डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही होने चाहिए। इवन ऑपरेटर कैन स्टॉप द फॉकलिफ्ट क्विकली, द लोड मे कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड क्रश द एम्प्लॉइज। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑपरेटर जो है अगर फॉकलिफ्ट बंद कर दिया है तो आप लोड को उसमें कंटिन्यू नहीं मत चढ़ाएं, इससे क्या होगा वो फॉकलिफ्ट जो है अपोजिट रिएक्शन करना शुरू कर सकता है और आपको इंजरी भी कर सकता है। वेट अंटिल द एम्प्लॉई हैज कंफर्मेशन दैट ऑपरेटर हैज नोटिस ऑफ हिज प्रोसीडिंग, और उस निर्देशों का पालन करने के बाद ही आप उसको उस पर सामान लोड करें और उसे ऑपरेट करें। तो इस बात का ध्यान रखें। ऑपरेटिंग पैलेट जैकेट्स, पैलेट जैकेट्स को ऑपरेट करने का तरीका यह है कि वियर द सेफ्टी बूट्स, सेफ्टी बूट्स पहनना। कीप द एम्प्लॉई टूल्स एंड फिंगर्स आउट फ्रॉम द पैलेट्स, अपने फिंगर्स और जो पैलेट्स के बाहर रखें उस पर ना रखें, इससे आपके फिंगर्स और वो सब इंजर्ड हो सकते हैं। साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि सिक्योर द लोड टू मेक श्योर इट स्टेबल विल नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग द मोमेंट। इस बात का ध्यान रखें कि जो पैलेट्स है वो काफी स्टेबल हो और उसमें मोमेंट्स जो है आसानी से किया जा सके, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। साथ साथ Make sure that the roller are free from of the bottom of the pallets. और वहां पर जो चक्के हैं उसके rollers हैं वो आसानी से move कर रहे हैं कि नहीं कर, इसको ध्यान में रखें। इसके साथ है push don't pull. आप हमेशा धक्का देने की कोशिश करें, खींचने की कोशिश ना करें। This puts strain on the employee's back and it's easier to stop. अगर आप खींचेंगे तो आपके back पर असर पड़ेगा। तो इसी कारण ज्यादा से ज्यादा हो सके तो push करने की कोशिश करें, pull करने की कोशिश ना करें। Know how to use the release handle. आप कैसे जो है उसको release करें, उसका भी आपको पूरा तरीके से ध्यान रखना है। साथ साथ वर्क विद द पार्टनर व्हेन डीलिंग विद द हैवी लोड्स, जब भारी सामान उठा रहे हैं तो आप किसी पार्टनर को साथ में रखें, इससे आपकी इंजरी होने की चांसेस कम होंगे और आपको काम में आसानी होगी उठाने। अब बात कर लेते हैं नाइफ्स, बॉक्स, ब्लेड्स एंड अदर शार्प। आप देखेंगे बॉक्स कटर्स आर नॉर्मल रिसोर्सेज फॉर द रिटेल स्टोर। आप देखेंगे ज्यादातर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, कटर्स का उपयोग किया जाता है रिटेल स्टोर में, जो सामान को बांधने के लिए हो गया और बॉक्स को उसमें सामान को रखने के लिए सबका ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसको हैंडल करते वक्त बहुत चीजों को ध्यान रखना होता है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अवर डेली लाइफ ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन द रिटेल स्टोर रिटेल ऑपरेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट टू फॉर द पैकेजिंग एंड फॉर द यू नो आफ्टर पैकेजिंग प्रोसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, यूजिंग ब्लेड्स एंड बॉक्स कटर्स आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें वो सही जगह पर रखा हो और उसको काम होने के बाद सही जगह पर वापस रख दें। यूज द राइट डिवाइस फॉर द जॉब, मेक श्योर इट इज डिस्टिंक्ट। आप जो भी ये इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं चाहे ब्लेड्स हो नाइफ्स हो वो सही जगह पर हो और उसे दूर से ही यूज करें, उस पर किसी को हानि ना हो, वही आसपास में कोई आपके वर्कर्स कोई काम ना कर रहे हो, कोई भी वर्कर को इससे नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ऑलवेज कट अवे फ्रॉम द एम्प्लॉइज बॉडी स्टीम, और कोई भी चीज को आप काट रहे हो तो उसको बॉडी से दूर रहकर काटें। Always sharp sharp independently from the resources and resources, है ना, कोई भी चीज को अगर हम शार्पली यानी उसको बहुत ही ज्यादा शार्प कर रहे हैं तो उसे अपने बॉडी से काफी ज्यादा दूर पे रखें और उसको इंडिपेंडेंटली शार्प करें। यूज अ स्मूथ वर्किंग एरिया टू कट ऑन, आप कोई साफ जगह पर ले लें, स्मूथ एरिया ले लें जहां पर वो प्लेस ले लें जहां पर उसको शार्प किया जा सके। नेवर यूज द ब्लेड फॉर एनीथिंग अदर देन द कटिंग के अलावा दूसरी जगह पर ब्लेड्स का उपयोग न करें, इससे किसी की पर्सन की जान जा सकती है या फिर कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। होल्ड द नाइफ इन द एम्प्लॉई स्ट्रॉन्गर हैंड, और चाकू पकड़ते वक्त कोई भी चीज काटते वक्त अपने हाथों में अच्छे से कस के पकड़े नाइफ को। टू फ्रेश द ब्लेड डायरेक्ट एडवांटेज अवे फ्रॉम द स्टाफ मेंबर एंड क्लीन विद द फैब्रिक ऑन द बोरिंग साइड ऑफ द ब्लेड, है ना, काम होने के बाद आप उस ब्लेड को प्रॉपर तरीके से अच्छे से साफ कर दें, फ्रेश क्लीन कर दें और उसे उसकी जगह पर रख दें। वियर नेचुरल लेदर और मेटल कैपेबल सेफ्टी ग्लोव्स इफ एनी कंपनी रिक्वायर्स देम, ठीक है, आप उसको हैंडल करते वक्त ग्लोव्स पहन सकते हैं अगर वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो अंत में कुछ बातों का और हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज, वर्किंग अंडर द सस्पेंडेड लोड, जब भी हम सस्पेंडेड लोड्स के अंडर में काम कर रहे हैं, कोई भी लोड अगर लटका हुआ है तो जैसे भारी कोई वस्तु जो है ऊपर लिफ्ट के माध्यम से लटकी हुई है तो उसके नीचे कभी भी काम ना करें, उसे ध्यान में रखें कि आप लोड के नीचे कभी भी ना रहें, इससे कोई भी इंजरी बड़ी इंजरी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। दूसरी चीज, विजिबिलिटी क्लियर रखें, आप जब काम कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी, आप आसपास की चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ पर लोगों की विजिबिलिटी आ रही नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और आपके डेस्टिनेशन में वो कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसके बाद आपको सुनिश्चित करना है। तीसरी, अटैचिंग और डीअटैचिंग एंड सिक्योरिटी लोड्स, आप अपने पास लोड उठा रहे हो और उसे डिटैच कर रहे हो उस समय तक आपको उस सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है और लोड्स की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का और लोड की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है वहां पर, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बाद का भी ध्यान रखना है, कहीं आपको लोड्स जब बारिश हो रही है बारिश के मौसम में लोड्स को किस तरीके से सेफ्टी के साथ रखा जाए
और उठाया जाए उस चीज को भी ध्यान रखना है। लोकेशन, लोकेशन का भी काफी महत्व होता है। लोकेशन भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस लिफ्टिंग और हैंडलिंग टेक्निक्स में काम आता है। इसके साथ साथ ओवरटर्निंग, अब बहुत ज़्यादा ओवरटर्निंग ना हो, इधर से उधर, ऐसा कोई भी चीज़ों को अवॉइड करें। प्रॉक्सिमिटी हैजार्ड्स और कोई भी छोटी मोटी जो आपके हैजार्ड्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी जख्म हैं, वो जो है वो प्रॉक्सिमिटी क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी आशंका हो रही है कि ये लोड उठाने से मेरे इस इंजरी पे और ज़्यादा असर पड़ेगा, तो आप उसको अवॉइड करें। साथ साथ डी रेटिंग करने की कोशिश ना करें। लिफ्टिंग पीपल, लोगों को उठाने की कोशिश ना करें। ओवरलोड ना करें, किसी भी चाहे इक्विपमेंट हो चाहे मैनुअल हैंडलिंग हो, ओवरलोड ना करें, इससे आपको इंजरी हो सकती है या फिर इक्विपमेंट आपका खराब हो सकता है। प्री यूज चेकिंग, आप यूज करने से पहले, कोई भी इक्विपमेंट को यूज करने से पहले आप चेक कर लें, या फिर लोड उठाने से पहले आप उसकी यूनिट को चेक कर लें कि उसकी वेट कितनी है, आप उसको उठा पाने में सक्षम है कि नहीं है, वो सारी चीजों को काफी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर लिफ्टिंग, बिफोर हैंडलिंग एनी इक्विपमेंट। सो आज के सेक्शन में बच्चों इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत ही इंकरेजिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और इसको आप ध्यान से सुनिए और एक बार अपने कॉपी में नोट कीजिए, ताकि इससे आपको आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल